बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशदा हफीज़। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे। तफसीलात के मुताबिक आज उस्मान बुज़दार कमिश्नर ऑफिस डीजी खान अली सतह इजलास की सदारत करेंगे और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा आज सर्किट हाउस डीजी खान तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। अपने आज के दौरे में वज़ीर आला पंजाब मदर एंड चाइल्ड हस्पताल के मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। मदर एंड चाइल्ड हस्पताल की तामीराती काम पर 2 अरब से ज़ायद रकम खर्च होगी। इसके अलावा सरदार उस्मान बुज़दार काजी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्टल की तामीर का भी संगे बुनियाद रखेंगे। अलबत्ता काजी यूनिवर्सिटी की अपग्रेडेशन पर 1 अरब रुपये से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। उस्मान बुज़दार मीडिया के नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे और सर्किट हाउस में खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुनेंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फरवरी के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। ओगरा ने एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एलपीजी की कीमत में 10 रुपये 9 पैसे फ़ी किलो का इजाफा किया गया। फरियाल तालपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर जमहूरियत पसंद के लिए खुले हैं। पीपीपी शोभा खातून के मरकजी सदर व एमपीए फरियाल तालपुर की ज़ेरे सदारत ज़िला दादू की लेडीज़ विंग का इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि लॉन्ग मार्च में ज़िला दादू से खवातीन की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास के दौरान लॉन्ग मार्च की तैयारियों, आइंदा बल्दियाती इंतखाबात और तंजीमी मामलात का जायज़ा लिया गया। डेरा गाजी खान में खूंखार कुत्तों ने 7वीं क्लास के तालिब इलम पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब के शहर में खूंखार कुत्तों के हमले से गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं क्लास का तालिब इलम जान की बाजी हार गया। आवारा खूंखार कुत्तों के हमले में 7वीं क्लास का बच्चा मुबशिर शेख शहीद स्कूल इंतजामिया की जानिब से फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से हस्पताल पहुँचने से पहले ही जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान राशदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अलहनेकबान। अहलियाने लैया के लिए खुशखबरी, एमआर न्यूज़ चैनल ला रहा है लैया से रोज़नामा एमआर न्यूज़। एडिटर इन चीफ मोहम्मद रेहान रूहानी, अब आप रहेंगे हर खबर से बाखबर। इशाअत का 35 साल तजर्बा, खूबसूरत इशाअत के साथ बहुत जल्द रोज़नामा एमआर न्यूज़ का आगाज़।